मॉर्निंग एवरीवन. सो दैट इज माय टॉपिक दैट इज वर्केबिलिटी. एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि कहाँ वर्केबिलिटी में हम कौन से ग्रेड का कॉन्क्रीट और कितना मॉइस्चर पे प्रेजेंट है, ठीक है, और कौन सा अपना जो कॉन्क्रीट का स्लम है, ठीक है, उसमें डिफरेंट वैल्यू है, एज वेल एज हम कितना परसेंटेज पे एयर एंड ट्रैप मॉइस्चर परसेंटेज हम यूज कर रहे हैं. तो यह सारा जो है हम वर्केबिलिटी के अंदर देख रहे हैं, ठीक है. तो सबसे पहले है आपका मेन पार्ट जो है वर्केबिलिटी. इसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट केस थे अपनी वर्केबिलिटी की वैल्यू एज वेल एज हमारा जो स्लम का वैल्यू है वो क्या होता है, ठीक है. सबसे पहला अगर हम देखते हैं कॉन्क्रीट जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो है आपका बिल्डिंग का कॉन्क्रीट, एज वेल एज आपका क्या होगा वो पेवर पेविंग ब्लॉक, ठीक है. तो उसमें हम देखते हैं कंडीशन. सबसे पहला ब्लॉक में आएगा आपका कंडीशन, सेकेंड में आएगा आपकी कैटेगरी, थर्ड में आएगा आपकी स्लम वैल्यू, ओके. तो सबसे पहला कंडीशन हम देखते हैं कि कॉन्क्रीट जो है अगर हम यूज कर रहे हैं बिल्डिंग कॉन्क्रीट के लिए हमारा वर्केबिलिटी की वैल्यू क्या आएगी. फर्स्ट कंडीशन में आपका बिल्डिंग कॉन्क्रीट एज वेल एज प्योरिंग पेवर ब्लॉक, ओके. तो इस कैटेगरी में जो अपना वैल्यू है, ठीक है, वो क्या होगा स्लम वैल्यू, एज वेल एज आपका वर्केबिलिटी की वैल्यू जो है वो वैल्यू लो रहेगी, ठीक है, सबसे कम रहता है इस कंडीशन पे आपकी वैल्यू, ओके. और जो स्लैम अपन प्रेफर करेंगे, ठीक है, बिल्डिंग कॉन्क्रीट एज वेल एज आपका प्योरिंग पेवर ब्लॉक के लिए, तो आपका स्लैम वैल्यू क्या होगा 0.75 to 0.80, ठीक है. तो ये जो है हम कंसिडर करते हैं. सेकेंड में आपका आएगा मास कॉन्क्रीट. अगर हम मास कॉन्क्रीट यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा और उसकी स्लम वैल्यू क्या होती है वो देखते हैं, ठीक. तो थर्ड सेकेंड है आपका मास कॉन्क्रीट, ओके. अगर आपके पास मास कॉन्क्रीट है तो उसकी कैटेगरी आएगी लो, ठीक है, और इसका स्लम वैल्यू आएगा 25 to 75, ठीक है. इस कैटेगरी का स्लम वैल्यू हम यूज करेंगे. थर्ड में है आपका हैवी रिइंफोर्स कॉन्क्रीट, ठीक है. अगर हम हैवी रिइंफोर्स कॉन्क्रीट यूज कर रहे हैं तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा और उसकी स्लम वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं, ठीक. तो थर्ड में आपका हैवी रिइंफोर्स कॉन्क्रीट, हैवी रिइंफोर्स कॉन्क्रीट, ठीक है. तो इसकी कैटेगरी जो है वो मीडियम रेंज पे आएगी और जो अपना वैल्यू है स्लम की वैल्यू, ठीक है, ये आपका आएगा 50 to 100, ठीक है. तो ये आपका तीन कंडीशन है जहां पे हम बिल्डिंग कॉन्क्रीट यूज कर रहे हैं, ठीक है. तो कैटेगरी होगी आपकी वैल्यू लो और स्लम वैल्यू है 0.75 to 0.80. सेकेंड है आपका मास कॉन्क्रीट, ठीक है, जिसकी कैटेगरी है लो और आपकी स्लम की वैल्यू आएगी 25 to 75 के बीच में. थर्ड है आपका हाईली रिइंफोर्स कॉन्क्रीट अगर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका क्या आपका कैटेगरी मीडियम में और आपकी स्लम की वैल्यू 75 to 100. फोर्थ में आप देखोगे अगर स्लीम फ्रेम अगर यूज कर रहे हैं, ठीक है, फ्रेम अगर स्ट्रक्चर में अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा. अगर हम यूज कर रहे हैं स्लीम फ्रेम या आप उसको कंसिडर कर सकते हो फ्रेम वर्क में, तो ये सेम एज इट इज आपको क्या होगा हाईली रिइंफोर्स कॉन्क्रीट के रेंज में, दैट मीन्स इसकी कैटेगरी होगी मीडियम एंड जो आपकी स्लम की वैल्यू होगी ये होगी आपकी 75 to 100 के रेंज में, ठीक है. तो ये आपका होगा स्लीम फ्रेम के लिए. अब लास्ट आप देखोगे जिसमें हम यूज करते हैं अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन, तो फिफ्थ पॉइंट आप देखोगे जहां पे हम करते हैं अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन. इसके लिए आपकी जो कैटेगरी है, ठीक है, ये आपकी आएगी गुड, ठीक. देन इसका जो स्लम वैल्यू है, ठीक है, उसको हम अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, इसके लिए
एंड उसके बाद इसकी वैल्यू जो है वो फाइल करते हैं। तो ये फाइव डिफरेंट कैटेगरी है, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि वर्केबिलिटी क्या होती है, और ऑन द बेसिस ऑफ वर्केबिलिटी हम डिफरेंट कंडीशन पे उसकी स्लम है तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है वहाँ पे स्लम की वैल्यू 0.75 से 0.80 के रेंज में होगी। पेविंग कंस्ट्रक्शन में सेम एलिवेशन 0.75 से 0.80 के रेंज में होगी। मास कॉन्क्रीट के लिए 35 से 75 के रेंज में, हाईली रिइंफोर्स कॉन्क्रीट के लिए 50 to 100 के रेंज पे, एंड स्लिप फ्रेमवर्क के लिए 75 to 100 के रेंज पे। और लास्ट आपका अंडर वॉटर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, उसमें आपका जो कैटेगरी है वो बोर्ड है। देन अब इसके लिए स्प्लिट फ्लो टेस्ट जो है इसकी स्लम वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज करते हो। तो ये बेसिक था आपका वर्केबिलिटी का। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एग्रीगेट अगर हम यूज कर रहे हैं, एक और कंडीशन है वर्केबिलिटी का, ये कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एज ए न्यूमेरिकल वाइज आपको पूछ सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आपको प्रिफर करते हैं, ठीक है। आपका जो वाटर कंटेंट है, ठीक है, वाटर कंटेंट है क्या होगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्केबिलिटी, दैट मींस आपका वाटर कंटेंट जो है अगर आप इंक्रीज कर रहे हो, ठीक, तो वर्केबिलिटी भी क्या होगी इसकी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इन दोनों के कंडीशन पे, ठीक है, जो इसका स्ट्रेंथ है, ओके, इसका स्ट्रेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक, स्ट्रेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। जैसे कि हम वाटर कंटेंट जो है कॉन्क्रीट में इंक्रीज करते हैं, ठीक, तो क्या होगा उसकी स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको आप नोट डाउन कीजिए। ये आपका एज अ ऑब्जेक्टिव वाइज एंड न्यूमेरिकल वाइज ये वाला पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगर हम एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, ठीक, और उसमें अगर एंट्रैक्ट एयर प्रेजेंट है तो वो किस रेंज में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका सेकेंड पॉइंट है एग्रीगेट विथ एंट्रैक्ट एयर, ओके। तो रेंज ऑफ एग्रीगेट लेते हैं, रेंज ऑफ एग्रीगेट ठीक है, सेकेंड कॉलम में आपका एंट्रैक्ट एंट्रैक्ट एयर परसेंटेज, ओके। तो सपोज आपका यहाँ है रेंज ऑफ एग्रीगेट, तो हम जनरली क्या करते हैं 20 mm जनरली हम यूज करते हैं, ठीक है, और एक है आपका 40 mm, ठीक। अगर हम 20 and 40 mm का एग्रीगेट फिर यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा आपका एंट्रैक्ट एयर का जो परसेंटेज है, ठीक है, दैट मीन्स वो कितने परसेंटेज ऑफ एयर जो है एब्जॉर्ब कर सकता है अगर कॉन्क्रीट हम मिक्स कर रहे हैं, तो वो रेंज आपको दिया गया है, ठीक है। तो 5 ± 1 एंड आपका क्या होगा, अगर 40 mm साइज का एग्रीगेट यूज कर रहे हैं तो वो क्या होगा आपका 4 ± 1। तो ये रेंज पे आप क्या करोगे, अगर एग्रीगेट यूज कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें वो कितने परसेंटेज ऑफ एयर जो है एब्जॉर्ब कर रहा है जब आप कॉन्क्रीट मिक्स कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जनरली आप क्या करते हो, आजकल भी आपका रेजिडेंशियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, हाईएस्ट कंस्ट्रक्शन है, ठीक, जितना भी कंस्ट्रक्शन आपका होता है उसमें हम क्या करते हैं 20 mm साइज का एग्रीगेट यूज करते हैं जनरली कंस्ट्रक्शन के लिए, ओके। और यहाँ पे अगर आपको पूछा जाता है, ठीक है, कि अगर कोल्ड रीजन है, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है कोल्ड है, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा एग्रीगेट यूज होता है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, इसके लिए हम फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग का यूज करते हैं, ठीक। तो फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग जो एग्रीगेट है उसके लिए हम क्या करेंगे 20 mm साइज का यूज करते हैं और कोल्ड रीजन पे हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको याद करना है एंट्रैक्ट एयर का परसेंटेज, तो एयर का जो परसेंटेज है प्लस 5 ± 1 होता है, ठीक। तो ये रहा आपका रेट ऑफ एग्रीगेट, ओके। अब देखते हैं हम, अगर आपको सेम एग्रीगेट कोल्ड रीजन में, तो आपको पता चल गया कि हम फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग के थ्रू 20 mm साइज का एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, ओके। अब हम देखते हैं अगर हमको सी कोस्ट दिया हुआ है, ठीक है, दैट मीन्स हमको क्या करना है, समुद्र अगर कोई कंस्ट्रक्शन करता है, ठीक है, तो कौन सा वो कॉन्क्रीट हम यूज करेंगे, ओके। तो यहाँ पे अगर हमको सी कोस्ट, अगर हमको अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, सी कोस्ट में, तो क्या करोगे, अगर हमारे पास पीसीसी कॉन्क्रीट है, प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट और रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट, हमारे पास दो कंडीशन होते हैं, या तो हम पीसीसी के थ्रू
कंस्ट्रक्शन करते हैं या आरसीसी के थ्रू कंस्ट्रक्शन करते हैं, लेकिन आपको कंडीशन अगर दिया जाता है आपको अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, और वहाँ पे हम कौन सी ग्रेड का कॉन्क्रीट यूज करें, तो अगर आपको उनको दिया जा रहा है अगर हमको पीसीसी यूज करना है अगर, तो हम क्या करेंगे M20 ग्रेड का कॉन्क्रीट जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। और अगर हमको बोला जा रहा है कंस्ट्रक्शन के लिए हम आरसीसी मटेरियल यूज कर रहे हैं, रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट अगर यूज करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे M30 ग्रेड का कॉन्क्रीट जो है वो यूज करते हैं। तो ये मेन पॉइंट है अगर हमको अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, पीसीसी के लिए M20 और आरसीसी के लिए M30 ग्रेड का कॉन्क्रीट जो है हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे आपको प्रीवियस क्लास में देख चुकी हूँ कि कौन सा है आपका M और ये 30 क्या है, तो M आपका नॉमिनल मिक्स है, ठीक है, ये आपका नॉमिनल मिक्स है एंड जो ये 20 दिया हुआ आपका ग्रेड है, ओके, ग्रेडिंग के लिए। तो आपको ये याद रखना है कि पीसीसी वर्क के लिए M20 एंड आरसीसी वर्क के लिए M30 हम यूज करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम कि M20 M30 जितना भी ग्रेड का कॉन्क्रीट दिया हुआ है, ठीक है, उसमें रेंज क्या होती है। तो हम यहाँ पे आपको पहले यहाँ पे हम स्टडी कर चुके हैं कि ऑर्डिनरी अगर कॉन्क्रीट हमको दिया है तो किस रेंज में होता है, M10 M50 M20 M25, ठीक है, ये आपको कौन से रेंज का कॉन्क्रीट है, ऑर्डिनरी। तो इसके लिए हम देखते हैं अगर हमको कंस्ट्रक्शन बोला जा रहा है, ठीक, और हमको मेन टाइटल के अगर हमको पीसीसी बोले हैं तो पीसीसी के लिए क्या है M20 और अगर आरसीसी है तो M30। तो इसके लिए हम देखेंगे सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट, ओके। तो सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट का रेशियो क्या होगा, सपोज आपको बोला जा रहा है M10, ठीक है, तो M10 में हम क्या यूज करेंगे, रेशियो 1:3:6, ओके, दैट मीन्स हम 1 kg क्या करेंगे सीमेंट यूज करेंगे, देन 3 kg सैंड एंड एग्रीगेट 6 kg, ठीक है। तो ये है आपका मेन इसका मिक्सचर कैसे हम उसको मिक्स करना है। एज ए सब कुछ कहेंगे M15 अगर दिया हुआ है तो रेशियो क्या होगा, 1% ऑफ सीमेंट 2% ऑफ सैंड एंड 4% ऑफ एग्रीगेट, ओके। तो ये रहा आपका M20 के लिए। अब आपका आएगा M30, ठीक है, तो M30 के लिए क्या करोगे, सॉरी M20 के लिए 1.5 एंड 3, ठीक है। तो ये रहा आपका M20 एंड M25 के लिए क्या होगा, आपका रेशियो 1:1:2, सेम एज इट इज आपका M30 के लिए 1:1:2, ओके। तो ये रेंज है, जिस रेंज में आपको क्या करना है, पीसीसी वर्क या आरसीसी वर्क के लिए अगर आपको ग्रेडिंग पता है तो आप ये वाला जो सिस्टम है वो यूज करके इसका परसेंटेज आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब सेकंड में हम देखते हैं कि डिजाइन मिक्स कैसे करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम देखते हैं यहां से डिजाइन मिक्स, आपका थर्ड पार्ट है डिजाइन मिक्स कॉन्क्रीट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां पे अगर डिजाइन मिक्स कॉन्क्रीट आपको कैलकुलेट करना है तो वो कैसे होगा, इसको हम डिनोट करते हैं F सफिक्स में M, ठीक है। ये क्या होता है आपका डिजाइन मिक्स कॉन्क्रीट जो है इसको आप डिनोट करोगे F सफिक्स में M, ये इक्वल टू होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट दैट मींस FCK प्लस 1.65 इनटू सिग्मा, ठीक है, यहाँ पे आप सिग्मा को क्या बोलते हो, स्टैंडर्ड डिवीजन, ओके, स्टैंडर्ड डिवीजन, ओके। तो अगर क्वेश्चन में अगर बोला जा रहा है कि डिजाइन मिक्स कॉन्क्रीट क्या होता है, तो डिजाइन मिक्स कॉन्क्रीट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का एडिशन होता है 1.6% इनटू आपका स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक है। तो आपको स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू फाइंड करने के लिए, सिग्मा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको एक रेंज याद रखनी होगी, जिसके लिए आपको हम टेबल ड्रॉ करके दिखाते हैं। सबसे पहले आप ग्रेड लिखोगे, ग्रेड, देन आपका स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू, ओके, सिग्मा की वैल्यू। तो आपको पता है हम यहां
एक स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू होती है 5। ठीक है, तो ये टेबल आपको याद रखना है कि आपको मैनुअल जो है इसमें नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे उसमें आपको इसका यूज होगा। ठीक है, तो ये आपका मेन फॉर्मूला है जिसमें डिजाइन फॉर्मूला आप कैलकुलेट करोगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दिया जा रहा है कैलकुलेट द मीन स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट दैट इज द ग्रेड ऑफ M50। ओके, तो आपका एक फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड मीन, स्टैंडर्ड मीन ऑफ कॉन्क्रीट, मीन ऑफ कॉन्क्रीट इज द ग्रेड ऑफ, इज द ग्रेड ऑफ M50। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है जो अप्रोक्स आपको 2 मार्क्स का आता है सारे एग्जाम पे। तो ये इसने आपको क्या बोला है, स्टैंडर्ड मीन कैलकुलेट करना है कॉन्क्रीट का। ठीक है, स्टैंडर्ड मीन वैल्यू कॉन्क्रीट की कैलकुलेट करनी है जिसमें कि आपको क्या दिया है, ग्रेड दिया है M50 का। ठीक है, तो आपका स्टैंडर्ड मीन से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली आपको क्या करना है डिजाइन कॉन्क्रीट का फॉर्मूला लगाना है जो कि आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FCK प्लस 1.65 इंटू आपका स्टैंडर्ड डिविजन। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मीन वैल्यू FM इक्वल टू क्या करोगे FCK, दैट मीन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आपको दिया कॉन्क्रीट का, ये कितना दिया आपका 50 जो कि आपको ग्रेडिंग में दिया हुआ है। ठीक है, ये आपकी 50 वैल्यू प्लस 1.65। अब यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड डिविजन कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे ग्रेड कौन सा दिया है M50। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डिविजन की M50 की वैल्यू क्या होती है 5, तो क्या होगा यहाँ पे 5 वैल्यू पुट करोगे तो आपका जो आया है वैल्यू स्टैंडर्ड मीन ऑफ कॉन्क्रीट वो कितना होगा, अप्रॉक्स जो है वो होता है 58.25। ओके, तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप क्या करोगे, डिजाइन मिक्स कॉन्क्रीट या फिर स्टैंडर्ड मीन ऑफ कॉन्क्रीट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसेस है वर्क एबिलिटी का, ये वाला सेक्शन कम्प्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे एक्यूरेट यूज करना है।